नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। बच्चों, मैं गीता हिंदी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम आज एक नए अध्याय के बारे में चर्चा करने वाले हैं, लेकिन वो नए अध्याय हमारा क्या है यह जानने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहूंगी। तो बच्चों बताइए कि यह क्या है, बताइए। हाथ, क्या है बच्चों? हाथ। तो बच्चों देखिए यहाँ क्या शब्द लिखा है, हाथ। क्या लिखा है? हाथ। और ये जो हाथ शब्द है ये कुछ ध्वनियों से मिलकर बना है, ठीक है। तो पढ़ते हैं वो कौन कौन सी ध्वनियां हैं। ह जमा आ जमा थ जमा अ, ठीक है। एक बार फिर से पढ़े, कौन कौन सी ध्वनियां हैं। ह जमा आ जमा थ जमा अ। आपने एक चीज देखी यहाँ पर, इस ह के नीचे एक तिरछी लाइन लगी है, और इस तिरछी लाइन को हम क्या कहते हैं? हलंत। पहले पढ़ चुके हैं ना हम, इस तिरछी लाइन को हम हलंत कहते हैं। और अभी यहाँ पर जो ये ह है वो आधा है। कैसा है? आधा है। जब इसके नीचे हलंत लगा है तो वो हमारा ह आधा है, और इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं बच्चों? आधा ह कह रहे हैं ना। और ये इस आ में जब हमारा ये आ मिल जाता है तो हमारा ह जो है वो पूरा हो जाता है, और साथ ही क्या बन जाता है? हा। क्या बन जाता है? हा। इसी तरह से हमारा ये जो थ है वो भी आधा है, क्योंकि इसके नीचे क्या लगा है? हलंत लगा है। और जब हलंत लगा है तो थ कैसा है? आधा है। और आधे थ में जब हमारा अ मिल गया तो वो बन गया थ, पूरा थ बन गया, ठीक है। इसी तरह से एक और शब्द है हमारे पास, देखते हैं। चल, क्या लिखा है यहाँ पर? चल। और अब ये चल भी है कुछ ध्वनियों से मिलकर बना है, ठीक है। तो पढ़ते हैं कौन कौन सी ध्वनियां यहाँ पर। च जमा अ जमा ल जमा अ। फिर से पढ़े। च जमा अ जमा ल जमा अ। यहाँ भी कुछ तिरछी लाइन है ना, च में है और ल में है। तो च और ल भी कैसे हैं? आधे हैं, क्योंकि क्या लगा है? हलंत लगा है। और जब हमारा स्वर अ इसमें मिल जाता है तो ये पूरा च और ल बन जाएगा, और जब ये पूरा च और ल बनेगा तो इस च और ल को मिलाकर हमारा क्या बनने वाला है? हाँ जी, क्या बनने वाला है? एक शब्द बनने वाला है, और वो शब्द कौन सा है? चल। बहुत अच्छे बच्चों। तो बच्चों पढ़ते हैं हम कुछ और शब्द, जैसे कि माँ जमा ट जमा र। शब्द बना मटर, मटर। क्या शब्द बना? मटर। अब यहां देखते हैं ट जमा म जमा र, क्या बना? टमर। क्या बना है यहां पर? टमर। देखा है कभी टमर? क्या चीज होती है ये टमर, जानते हैं आप इसके बारे में? नहीं। और फिर इस मटर के बारे में खाया है? हाँ। तो ये एक सब्जी का नाम है, और ये नहीं पता, चलिए जानते हैं। तो फिर ये क्या होते हैं बच्चों? आज हम पढ़ने वाले हैं शब्द। शब्द क्या होते हैं जानिए। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनने वाले सार्थक समूह को शब्द कहते हैं बच्चों। फिर से पढ़े। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनने वाले सार्थक समूह को शब्द कहते हैं बच्चों। ये सार्थक समूह क्या होता है? सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ होता है, ऐसे समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। इसका मतलब यह जो मटर लिखा हुआ है इसका तो अर्थ निकल रहा है, क्योंकि यह एक सब्जी का नाम है। और यहाँ पर बच्चों है ट जमा म जमा र टमर, लेकिन ये जो टमर है ये कुछ भी नहीं है, और इसका कोई अर्थ भी नहीं निकल रहा है। इसका मतलब यह एक सार्थक शब्द नहीं है, एक सही शब्द नहीं है। तो बच्चों जानते हैं कि शब्द भी दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द कौन से होते हैं बच्चों? देखते हैं।
जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? सार्थक शब्द। कैसे शब्द? सार्थक शब्द, जिनका कोई अर्थ होता है। जैसे कि रेल, कभी गए हैं आप रेल में? हाँ जी। दूसरा है मेल, मेल समझते हैं, मिलना मिलाना, ठीक है। और फिर होता है अगला खेल, खेलते हैं ना। आदि, आदि मतलब और भी बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनका अपना एक अर्थ होता है। तो ये सारे शब्द बच्चे क्या कहलाएंगे? सार्थक शब्द। क्या कहलाएंगे? सार्थक शब्द, क्योंकि इनका अपना एक अर्थ निकल रहा है। अगला है निरर्थक शब्द। निरर्थक, निरर्थक से ही पता चल रहा है कि जिसका कोई अर्थ नहीं होता। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे कि वेल, लखे, लमक आदि। और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हो सकते हैं ना जिनका कोई अपना अर्थ नहीं होता। हम कहते हैं ना काम वाम, लेकिन काम का तो अपना एक अर्थ है, इसलिए वो सार्थक शब्द हुआ। वाक का क्या अर्थ हुआ? कोई अर्थ नहीं हुआ, इसलिए वो निरर्थक शब्द हुआ। तो जिनका कोई अर्थ नहीं होता है वो कौन से शब्द होते हैं? निरर्थक। कौन से शब्द होते हैं बच्चों? निरर्थक। तो आपको समझ में आया कि ये सार्थक और निरर्थक क्या होता है? सार्थक जिसका अपना अर्थ होता है, निरर्थक जिसका अपना कोई भी अर्थ नहीं होता है, वो ही हमारे सार्थक और निरर्थक शब्द कहलाते हैं। तो आशा करती हूँ कि बच्चों आपको आज का ये विषय अच्छे से समझ आ गया होगा। इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी, ठीक है, तभी तो पता चलेगा कि आपने कितना जाना। चलिए जानते हैं। प्रश्न एक, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए, इनमें से कौन सा सार्थक शब्द है? हमारे पास तीन विकल्प दिए हुए हैं, मगर, रमक, मरग। हमारे पास थ्री विकल्प दिए हुए हैं, मगर, रमक, मरग। तो हमारे तीनों में से कौन सा शब्द सही है? मगर, रमक या फिर मगर। तो आपको बताना है कि हमारा कौन सा शब्द सही है। बताइए बताइए, जल्दी बताइए, इतनी देर किस लिए लगा रहे हैं? हाँ जी, हमारा सही शब्द है मगर। मगर देखा है आपने पानी में? हाँ जी। क्या रमक देखा, मरक देखा? नहीं देखा ना, बहुत अच्छे। अगला है, वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता। जिनका कोई अर्थ नहीं होता, अभी पढ़ा ना आपने, जिनका कोई अर्थ नहीं होता वो शब्द क्या कहलाते हैं? निरर्थक। क्या कहलाते हैं? निरर्थक। बहुत अच्छे बच्चों, अगले प्रश्न पर चलें। हाँ जी, लगता है आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। नीचे दिए गए सही नाम पर सही का चिन्ह लगाइए। सही नाम पर क्या करना है आपको? चिन्ह लगाना है। सही नाम मतलब कि जिसका अपना एक अर्थ है वो है सही नाम। तो यहां पर दो शब्द हैं, देखो, इमली या फिर लिमली। खाइए कभी लिमई आपने? नहीं खाई? इमली खाई है, इमली का अपना एक अर्थ है, इसलिए हमारा सही शब्द कौन सा हुआ? इमली। तो सही का निशान इमली पर लगाएंगे। फिर है काड़ल, लड़का। सही शब्द, सार्थक शब्द कौन सा हुआ यहाँ? लड़का। बहुत अच्छे, आसान है ना आज का विषय, समझ में आ गया आपको? बच्चों आशा करती हूँ कि आपको आज का यह विषय अच्छे से समझ आ गया होगा। तो फिर आपको आज के इस विषय पर अभ्यास कार्य करना है, और वो भी लिख कर करना है, ठीक है बच्चों। और मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगी फिर से, कि आपको किसी भी तरीके की कोई भी समस्या आती है तो आप मुझे फोन करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आपका दिन मंगलमय हो, ऐसी हमेशा